हाउ टू इंस्टॉल गूगल प्ले स्टोर ऑन योर आईफोन और आईपैड। इस वाली वीडियो में दोस्तों मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ कैसे आप अपने आईफोन पे गूगल प्ले स्टोर इंस्टॉल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वाली वीडियो 100% जेन्युइन है, कोई भी फेक तरीका नहीं बताऊंगा आपको। यहाँ पे आप ओरिजिनल प्ले स्टोर अपने आईफोन पे इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसके ऐप से आप ऐप्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। वीडियो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को एंड तक तो जोर देखिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जोर सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन भी दबा दें, क्योंकि कैसे यहाँ पे मैं आपके लिए आईफोन से रिलेटेड वीडियोस लेके आता रहता हूँ। सर जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे मेरा आईफोन की स्क्रीन पर, ये कोई फेक आईफोन नहीं है यार, ये पहले मैं आपको बता दूँ, ये बिल्कुल ओरिजिनल आईफोन है। इसके लिए सबसे पहले यार मैं आपको सेटिंग पे लेके चलता हूँ। इसके बाद गाइस यहाँ पे हम जनरल पे जाते हैं। जनरल पे जाने के बाद पहले यहाँ पे अबाउट में आते हैं। तो जैसे कि आप देखेंगे यहाँ मेरा आईफोन है, यहाँ पे सीरियल नंबर प्रॉपर हो आईफोन का ही है, ठीक है। अगर यहाँ पे आईफोन ओरिजिनल नहीं होता तो इस तरह का नहीं दिखाया जाता, ठीक है। तो यह दोस्तों मेरा प्रॉपर ओरिजिनल आईफोन है, जिसमें कि दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप प्ले स्टोर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे। तो वीडियो को दोस्तों यहाँ से ध्यान से देखिएगा, कुछ तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप प्ले स्टोर को अपने आईफोन पे इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले यार प्ले स्टोर को इंस्टॉल करने के लिए आपको अपने आईफोन पे कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी, तभी आप प्ले स्टोर को अपने आईफोन पे इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके लिए गाइस सिंपली आपको सेटिंग के एप्लीकेशन को ओपन करना है। गाइस सेटिंग को ओपन कर लेने के बाद यहाँ पे आपको स्क्रॉल नीचे करना है, इधर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है बैटरी का, सिंपली आपको इस पर टैप कर देना है। यहाँ पे यार अगर आपने लो पावर मोड को ऑन कर रखा है तो पहले आपको इस ऑप्शन को ऑफ कर लेना है। लो पावर मोड को दोस्तों यहाँ पे आपको ऑफ कर देना है, क्योंकि आपका आईफोन स्लो डाउन हो जाता है जब भी आप बैटरी सेवर को ऑन करते हैं। इस ऑप्शन को ऑफ कर देने के बाद यहाँ से आप बैक आएंगे। यहाँ से गाइस आपको दोबारा स्क्रॉल नीचे करना है। इसके बाद गाइस यहाँ पे आपको प्राइवेसी का ऑप्शन देखने को मिलेगा, सिंपली इस पर जाना है और यहाँ पे गाइस आपको ट्रैकिंग देखने को मिल जाता है, इसको आपको अलाउ कर देना है। जैसे कि आप देखेंगे मेरे डिवाइस में ऑफ है, आपको सिंपली इसे अलाउ कर देना है। इसके बाद गाइस यहाँ से आप बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद गाइस सिंपली आपको यहाँ पे जनरल में जाना है। जनरल के बाद गाइस यहाँ पे आपको बैकग्राउंड ऐप रिप्लेस देखने को मिलेगा, सिंपली इस पर जाना है और यहाँ पे जैसे कि आप देखेंगे ये वाला ऑप्शन यहाँ पे ऑफ हो रखा है, सिंपली आपको इसको वाईफाई एंड मोबाइल डाटा पे रख देना है। अगर आप वाईफाई का इस्तेमाल करते हैं तो आप वाईफाई पे रख देंगे, अगर आप मोबाइल डाटा एंड वाईफाई का इस्तेमाल करते हैं तो दोनों पे रख देंगे। इस तरीके से गाइस रखने के बाद जब भी आप प्ले स्टोर से कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो बैकग्राउंड में आपको चलता रहना चाहिए प्ले स्टोर, तभी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो पाएंगे। अब मैं आपको तरीका बताता हूँ दोस्तों कैसे आप प्ले स्टोर आपको अपने आईफोन पे इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ से वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, ध्यान से देखिएगा। सिंपली गाइस आपको करना क्या पड़ेगा, आपको अपने आईफोन पे सफारी ब्राउजर को ओपन करना है। सफारी को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च पर टाइप करना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है प्ले स्टोर। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे इस तरीके से आपको सर्च करना है प्ले स्टोर। तो यहाँ पे गाइस आपको ऑफिशियल लिंक देखने को मिल जाती है गूगल प्ले स्टोर की, सिंपली आपको इस लिंक पे टैप करना है। इस लिंक पे टैप करने के बाद गाइस आपके सामने इस तरीके से गूगल प्ले स्टोर का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। और जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे विंडोज फोन टैबलेट आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको प्ले स्टोर की सभी एप्लीकेशन देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कैसे आप गूगल प्ले स्टोर को अपने फ़ोन पर इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के लिए गाइस यहाँ पे आपको एक शेयर का आइकन देखने को मिल जाएगा, सिंपली आपको इस पर टैप करना है। इधर गाइस आपको स्क्रॉल नीचे करना है, यहाँ पे गाइस आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है एडेड टू होम स्क्रीन, सिंपली आपको इस वाले ऑप्शन पे टैप करना है। यहाँ पे गाइस आपको एक पूरी लाइन काट देनी है और इधर आपको टाइप करना है प्ले स्टोर। देख सकते हैं गाइस इस तरीके से आपको टाइप करना है, इसके बाद आपको एडिट का बटन देखने को मिलेगा, इस पर सिंपली आप टैप करेंगे। तो यहाँ पे गाइस जो प्ले स्टोर का आइकन है आपके होम स्क्रीन पे ऐड हो जाएगा। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे प्ले स्टोर की एप्लीकेशन आ चुकी है आपके आईफोन के होम स्क्रीन पे। इसके बाद सिंपली गाइस आप इस ऐप को ओपन करेंगे तो आपको यार इस तरह का जो गूगल प्ले स्टोर का इंटरफेस है देखने को मिल जाएगा। इधर से यार आप कोई भी एप्लीकेशन अपने डिवाइसेस में इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल कैसे करेंगे, इसके लिए यार यहाँ पे आपको सबसे पहले अपने गूगल अकाउंट से लॉग इन करना पड़ेगा। लॉग इन के लिए यार टॉप राइट प्रोफाइल पर आप टैप करेंगे, यहाँ पे आपको साइन इन विद गूगल देखने को मिलेगा, सिंपली आपको इस पर टैप करना है। अब यहाँ पे गाइस आपको अपना गूगल अकाउंट टाइप करना है जो कि दोस्तों आपके डिवाइस में लॉगिन होगा। जीमेल आईडी डालने के बाद सिंपली आप नेक्स्ट पे टैप करेंगे। इसके बाद आपसे पासवर्ड पूछा जाएगा, आपको अपने गूगल अकाउंट का पासवर्ड डालना है। इसके बाद सिंपली नेक्स्ट पे आप टैप करेंगे, यहाँ पे इस तरह का आएगा नॉट नाउ पे आप टैप करेंगे। तो यहाँ पे गाइस इस तरह का आएगा, आपको अपने दूसरे डिवाइस पे यस पे टैप कर देना है, इससे जो गूगल अकाउंट है आपके इस डिवाइस में लॉगिन हो जाएगी। तो जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे मेरा जो गूगल अकाउंट है
सक्सेसफुली यहाँ पे लॉग इन हो चुका है। इधर आप टॉप राइट प्रोफाइल का आइकन भी देख सकते हैं। इसके बाद गाइस आपको एक बार जो प्ले स्टोर है उसको क्लोज कर देना है। इसके बाद सिंपली आप प्ले स्टोर को अगेन ओपन करेंगे। यहाँ पे गाइस हम टॉप राइट प्रोफाइल पर टैप करते हैं। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे हमारा जो गूगल अकाउंट है सक्सेसफुली लॉग इन हो चुका है। इसके बाद यार अगर आप कोई भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना चाहते हैं प्ले स्टोर से, तो सबसे पहले आपको उस एप्लीकेशन को सिलेक्ट करना पड़ेगा या उस एप्लीकेशन पे टैप करना पड़ेगा। जैसे गाइस यहाँ पे फ्री फायर मैक्स की एक एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन को यार मैं अपने डिवाइस पे इंस्टॉल करना चाहता हूँ, सिंपली मैं इस पे टैप करता हूँ। इसके बाद गाइस आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। सिंपली गाइस यहाँ पे आपको इंस्टॉल का बटन देखने को मिलेगा, इस पे सिंपली आप टैप करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे लोडिंग लेगा। इसके बाद यार यहाँ पे आपके डिवाइसेस की लिस्ट आ जाएगी, कौन कौन से डिवाइस में आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना चाहते हैं। देखो यार ये जो जीमेल आईडी है, जिस भी डिवाइस में लॉगिन हो रखी होगी उस डिवाइस में आप जो है प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे यार ऑलरेडी मेरा जो सैमसंग का डिवाइस है इसमें ये वाला जो जीमेल आईडी है लॉगिन हो रखी है, मैं सिंपली इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद यार यहाँ पे आपको इंस्टॉल का बटन देखने को मिलेगा, सिंपली आपको गाइस इस पर टैप करना है। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा लोडिंग लेगा, थोड़ा सा वेट करना है। अब यहाँ पे यार आपसे आपके गूगल अकाउंट का अगेन पासवर्ड पूछा जाएगा, वो पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना है। गाइस पासवर्ड डालने के बाद सिंपल आप नेक्स्ट पे टैप करेंगे, यहाँ पे इस तरह का आएगा, आप नॉट नाउ पे टैप करेंगे। अब यहाँ पे गाइस थोड़ा सा वेट करेंगे, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे लोडिंग ले रहा है। अब यहाँ पे ये बता रहा है फ्री फायर मैक्स विल बी इंस्टॉल्ड ऑन योर डिवाइस सोन, तो ये बता रहे जल्द ही फ्री फायर मैक्स आपके जो डिवाइस में इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। और गाइस फ्री फायर मैक्स जो है हमारे डिवाइस में इंस्टॉल होने लग जाएगा। सो गाइस आप साइड में यार स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, जो मेरे दूसरे सैमसंग के डिवाइस का स्क्रीनशॉट है, और वहाँ पे आप देख सकते हैं फ्री फायर मैक्स सक्सेसफुली इंस्टॉल होने लग रही है। तो यार इस तरीके से आप गूगल प्ले स्टोर को अपने आईफोन पे इंस्टॉल करेंगे। और आपको पता है दोस्तों आईफोन में यार एंड्रॉइड की एप्लीकेशन तो इंस्टॉल नहीं हो सकती है, क्योंकि दोस्तों दोनों का जो काम करने का तरीका है बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। तो प्ले स्टोर को गाइस आप इस तरीके से अपने आईफोन पे इंस्टॉल कर सकते हैं। और यहाँ पे सक्सेसफुली जब आप प्ले स्टोर को इंस्टॉल कर दें तो प्ले स्टोर के ऐप से आप अपने दूसरे एंड्रॉइड फोन पे जो है एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे गाइस ये जो जीमेल आईडी है मैंने यहाँ पे लॉगिन किया है, ये वाली जीमेल आईडी गाइस मेरे सैमसंग के डिवाइस में लॉगिन हो रखी है। तो जब गाइस मैं इस पे इंस्टॉल पे टैप करूंगा तो ये जो एप्लीकेशन है मेरे दूसरे सैमसंग के डिवाइस में इंस्टॉल होगी, ना कि इसमें इंस्टॉल होगी, ठीक है ना दोस्तों, ये बात आपको ध्यान रखना है। बाकी गाइस और काफी काम की चीज है, रिसेंटली गूगल ने एक अपडेट दिया था जिसके हेल्प से आप प्ले स्टोर की वेबसाइट को कहीं पे भी एक्सेस करके अपने गूगल अकाउंट के हेल्प से अपने दूसरे एंड्रॉइड डिवाइसेस में एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने आपको बताया कैसे आप प्ले स्टोर एप्लीकेशन को अपने आईफोन या फिर आईपैड पे इंस्टॉल करेंगे, और इसके बाद आप एप्लीकेशंस को अपने एंड्रॉइड फोन पे प्ले स्टोर एप्लीकेशन के ऐप से इंस्टॉल कर सकते हैं। आई होप गाइस यार वीडियो आपको काफी इंपॉर्टेंट लगे होगी। वीडियो अगर आपको इंपॉर्टेंट लगे तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक कर देना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन भी दबा दें, क्योंकि गाइस यहां पे मैं आपके लिए आईफोन से रिलेटेड वीडियोस लेके आता रहता हूं। मैं तो गाइस आपसे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।